Hello everyone. Hope you all are doing great and well. I welcome you all to my channel, The Lex Legal. आज का हम लोगों का टॉपिक है कि ट्रेस्पास। चलिए इसको शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी सॉर्ट ऑफ टाइम। सेक्शन 441 दैट इज क्रिमिनल ट्रेस्पास। तो ये जो एक क्लस्टर ऑफ सेक्शंस है, सीरीज ऑफ सेक्शन है, ये सारे ही हम लोग इसमें कवर करेंगे जो कि रिलेटेड है ट्रेस्पास से। तो शुरू करते हैं बाय रीडिंग द बेरेक्ट प्रोविजन। लेट्स स्टार्ट। हूएवर एंटर्स इनटू और अपॉन एनी प्रॉपर्टी इन द पोजीशन ऑफ अनदर विद इंटेंट टू कमिट एन ऑफेंस और टू इंटिमिडेट इंसल्ट और अनॉय एनी पर्सन इन पोजीशन ऑफ सच प्रॉपर्टी और हैविंग लॉफुली एंटर्ड इनटू और अपॉन सच प्रॉपर्टी अनलॉफुली रिमेंस देयर विद इंटेंट देयर बाय इंटिमिडेट इंसल्ट और एनॉय एनी सच पर्सन और विद इंटेंट टू कमिट एन ऑफेंस इज सेट टू कमिट क्रिमिनल ट्रेसवास। अब इसमें समझते हैं हम लोग, जैसे कि कोई भी एक शख्स है वो किसी भी प्रॉपर्टी पे एंटर करता है जो कि किसी और शख्स के पोजिशन में हो। प्रॉपर्टी कोई किसी की भी हो सकती है, कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल बी की एक प्रॉपर्टी है, ए जो है उसकी प्रॉपर्टी में एंटर करता है जो कि बी के पोजिशन में है। उसकी प्रॉपर्टी बी की प्रॉपर्टी है, बी के पोजिशन में है, ए एंटर करता है किस इंटेंशन के साथ? एक ऑफेंस कमिट करने के लिए। ऑफेंस की हम लोग लेंगे डेफिनेशन सेशन 40 ऑफ आईपीसी। और टू इंटिमिडेट, इंटिमिडेट इन द सेंस डराने या धमकाने के लिए या फिर इंसल्ट करने के लिए या फिर एनॉय मतलब उसको चिढ़ाने के उससे या फिर एनी पर्सन इन पोजिशन ऑफ सच प्रॉपर्टी और हैविंग लॉफली एंटर। फॉर एग्जाम्पल कि ए है बी है, ए के जानने वाला बी है, मान के चलिए उसका कोई रिलेटिव है, रिश्तेदार हो गया, वो एंटर करता है भाई, उसको राइट है भाई, उसका रिलेटिव है, उसकी प्रॉपर्टी में जा सकता है, एक्सप्रेस कंसेंट है कि भाई हाँ एंटर कर सकता है प्रॉपर्टी पे, तो वो जाता है उसके प्रॉपर्टी के अंदर। कोई भी प्रॉपर्टी किसी भी तरह की हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे घर, इन स्पेसिफिक ये नहीं बात कर रहा है हाउस की, ये कोई भी प्रॉपर्टी अदरवाइज उसका ऑफिस हो गया या फिर कोई भी गोडाउन हो गया उसका, कोई भी ऐसी चीज वहां पे वो एंटर करता है तो लॉफुली एंटर करता है क्योंकि उसका रिलेटिव है और उसको एक्सप्रेस इम्प्लाइड कंसेंट उसको मिला हुआ है कि जा सकता है और वहां पे जाता है। और फिर अनलॉफुली मान लीजिए फिर आके कुछ बदतमीजी करता है या फिर कुछ बोलता है बुरा भला, तो जो वो बी है वो उसको कह देता है कि तुम मेरी प्रॉपर्टी से जाओ, यहाँ से निकल जाओ मेरे घर से। उसके बावजूद भी वो अनलॉफुली वहीं पे रुक जाता है विथ इंटेंट। कैसा इंटेंट? इंटिमिडेट करने की इंटेंट से कि इसको डराएंगे धमकाएंगे, रुक जाता है वहीं पे उसकी प्रॉपर्टी पे और एनॉय करने पे, या फिर विद इंटेंट टू कमिट एन ऑफेंस इज सेट टू कमिट क्रिमिनल ट्रेसपास। ये हो गया, ठीक है। तो पहला जो है, पहला मतलब इन जनरल मतलब बता रहा है कि कोई भी जाता है अगर किसी की प्रॉपर्टी पे विद इंटेंशन टू कमिट एन ऑफेंस, इंटिमिडेट करने के लिए, इंसल्ट करने के लिए या फिर एनॉय करने के लिए, पहला पार्ट ये हो गया। फिर दूसरा जो है कि लॉफली वो जाता है मतलब कि उसके पास इम्प्लाइड कंसेंट है बट उसको जाने के लिए वापस कह दिया जाता है कि तुम मेरी प्रॉपर्टी से वापस यहाँ से मतलब निकल जाओ मेरी प्रॉपर्टी से, बट फिर भी वो अनलॉफुली वहां पे रुक जाता है किस पर्पज से, किस इंटेंट से? कि इसको इंटिमिडेट करेंगे, इंसल्ट करेंगे, एनॉय करेंगे तो यहाँ पे ये, या फिर किसी तरह का ऑफेंस कमिट करेंगे तो यहाँ पे क्या ये बन गया? क्रिमिनल ट्रेसपास हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका क्रिमिनल ट्रेसपास का डेफिनेशन इन अ सिंपल लैंग्वेज। इसको हम लोग रेड विद करेंगे सेक्शन 329 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023, ठीक है। ये हो गया 441। अब आते हैं 442 पे। 442 जो है ये स्पेसिफिक हाउस ट्रेसपास की बात कर रहा है। वहां पे 441 में आपका किसी भी तरह की प्रॉपर्टी हो सकती है बट ये इन स्पेसिफिक हाउस ट्रेसपास की बात कर रहा है 442। अब इसको पढ़ते हैं। हू एवर कमिट्स क्रिमिनल ट्रेसपास, क्रिमिनल ट्रेसपास मतलब सारे वो इंग्रेडिएंट्स जो 441 के हैं वो 442 में आ जाएंगे सारे इंग्रेडिएंट्स। तो हू एवर कमिट्स क्रिमिनल ट्रेसपास बाय एंटरिंग इन टू और रिमेनिंग इन एनी बिल्डिंग टेंट और वेसल यूज एज अ ह्यूमन ड्वेलिंग। ह्यूमन ड्वेलिंग से हम लोग क्या समझते हैं? एक ऐसी जगह जो इंसानों के रहने के लिए हो या फिर कोई ऐसी बिल्डिंग जो कि प्लेस ऑफ वर्शिप के लिए हो। फॉर एग्जाम्पल चर्च हो गया, मॉस्क हो गया, कोई भी अदरवाइज जो भी प्लेस ऑफ वर्शिप हो। और एज अ प्लेस फॉर द कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी, फॉर एग्जाम्पल कोई एक कस्टडी के लिए, मान लीजिए मैंने एक गोडाउन है मेरा, वहां पे हम रखते हैं अपनी प्रॉपर्टी, रखते हैं माल वाल रखते हैं अपना, जैसे बिजनेसमैन कोई है अपना गोडाउन किया हुआ है वहां पे अपना प्रॉपर्टी मतलब माल सारा रखता है, बिजनेस का जो रहता है, इज सेट टू कमिट हाउस ट्रेसपास। हाउस ट्रेसपास इन स्पेसिफिक मतलब हो गया आपका कि जहां पे ये सारी चीजें इंक्लूड होंगी। तो जितना भी इंग्रेडिएंट 441 का है वो आ जाएगा 442 में। हाउस ट्रेसपास के अंदर क्रिमिनल ट्रेसपास रहेगा ही रहेगा बट यहाँ पे इन स्पेसिफिक कुछ चीजों के लिए हो जाएगा, जैसे कि प्लेस फॉर ह्यूमन डिवेलिंग, बिल्डिंग हो गया, टेंट हो गया, ये सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। ये हो गया हाउस ट्रेसपास।
अब इसका थोड़ा सा हम लोग और समझते हैं। ट्रेस्पास मेनली कि एक ऐसा कह लीजिए कि दहलीज को लांगना ट्रेस्पास का मतलब हो गया कि आपके पास कंसेंट नहीं है उसके, वो एक जो तय सीमा है उस सीमा से आगे बढ़ने की, उसको लांगने की, उस दहलीज को पार करने की, उसको ट्रेस्पास कहते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें हम लोग, फिर और पढ़ लेते हैं सेक्शन 329 और भारतीय न्याय संहिता, इसको भी रेगुलेट करेंगे। तो अंडर भारतीय न्याय संहिता 329 क्रिमिनल एंड हाउस ट्रेस्पास के बारे में, दोनों मतलब एक साथ इसको कर दिया है नए वाले लॉ में 329 के अंदर। यहाँ पे अलग अलग है, वहाँ पे 329 में दोनों को कर दिया गया है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। द इंट्रोडक्शन ऑफ एनी पार्ट ऑफ द क्रिमिनल ट्रेस्पासर्स बॉडी इज एंटरिंग सफिशियंट टू कॉन्स्टिट्यूट हाउस ट्रेस्पास, एनी पार्ट इन द सेंस की फॉर एग्जाम्पल मैंने बस वो जो एक तय सीमा है, एक दहलीज है, उसके आगे बस अपना एक पैर भी बढ़ा दिया तो वो ट्रेस्पास हो जाएगा। ठीक है, हाउस ट्रेस्पास की कैटेगरी में वो आएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर देखिए लर्किंग हाउस ट्रेस्पास क्या होता है। लर्किंग का मतलब पहले समझते हैं। हाउस ट्रेस्पास को वही हम लोग समझेंगे, 442 वाली डेफिनेशन लेंगे, फिर लर्किंग का समझते हैं। लर्किंग का देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, गुप्त तरीके से, मतलब देखे होंगे आप लोग कि बहुत ही शातिर तरीके से लोग ऐसा आते हैं पैदल चल के एकदम, मतलब दबे पाँव गुप्त तरीके से कि पैर तक की आवाज़ नहीं होती है और दाखिल हो जाते हैं। जैसे कि देखे होंगे मूवीज वगैरह में रॉबर्स वगैरह चोर और चोरी वोरी करने आते हैं तो पैर एकदम दबा के आते हैं, ऐसा लगता है कि कोई आएंगे नहीं है, तो उसी को लर्किंग कहते हैं, गुप्त तरीके से आना, दाखिल होना, पैर दबाकर घुसना, तो ये हो जाता है। अब देखिए, हूएवर कमिट्स हाउस ट्रेस्पास हैविंग टेकन प्रिकॉशंस टू कंसील, कंसील मतलब छिपाना, ऐसा मतलब आया कि अंदाजा ही कोई ना लगा पाए कि कोई आ रहा है, सच हाउस ट्रेस्पास फ्रॉम सम पर्सन हु हैज अ राइट टू एक्सक्लूड और इजेक्ट द ट्रेस्पासर्स फ्रॉम द बिल्डिंग टेंट और वेसल, मतलब कि कोई अननोन आदमी मान लीजिए आ रहा है मेरे घर में, भाई मेरा राइट है उसको कि हम भगा दें, एक्सक्लूड कर दें, इजेक्ट कर दें, अपने घर से निकाल दें। तो वो इस तरीके से आ रहा है, पैर वैर दबा के प्रिकॉशन मेजर्स वगैरह ले रहा है कि कंसील करके आ रहा है कि पता ना चले, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लर्किंग हाउस ट्रेस्पास हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया लर्किंग हाउस ट्रेस्पास। अब फिर पढ़ते हैं लर्किंग हाउस ट्रेस्पास बाय नाइट। हाउस ट्रेस्पास बाय नाइट क्या होता है, मान लीजिए हुएवर कमिट्स लर्किंग हाउस ट्रेस्पास आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज के पहले, अगर यही 443 वाला चीज करते हैं तो वो लर्किंग हाउस ट्रेस्पास बाय नाइट हो जाएगा, 444 में आ जाएगा। अब आते हैं हाउस ब्रेकिंग। अब देखिए हाउस ब्रेकिंग क्या होता है, अ पर्सन इज सेट टू कमिट हाउस ब्रेकिंग हु कमिट्स हाउस ट्रेस्पास इफ ही अफेक्ट्स हिज एंट्रेंस इनटू द हाउस। हाउस ट्रेस्पास यहाँ भी रहेगा लेकिन किस तरह से वो जाता है उसमें, एंट्रेंस में घुसता है, एंटर मतलब जाता है, क्विट्स मतलब एग्जिट आता है, तो यहाँ पे दो चीजें याद रखने वाली बात है, एंटर प्लस एग्जिट, किस तरीके से मतलब जाता है, तो वो फॉलोइंग छह तरीका बताया गया है हाउस ब्रेकिंग का। अब आगे हम बढ़ते हैं इसमें 445 में। फर्स्ट, इफ ही एंटर्स और क्विट्स थ्रू अ पैसेज मेड बाय हिमसेल्फ, मतलब कि कोई एक होल बना देना, फॉर एग्जाम्पल एक घर है वहां पे, मतलब कोई एक जगह है सीक्रेट जगह बना दिया, वहां से घुस रहा है, ये हो गया हाउस ब्रेकिंग का एक। फिर सेकेंडली आ गया कि थ्रू इफ ही एंटर्स और क्विट्स थ्रू एनी पैसेज नॉट इंटेंडेड टू एनी पर्सन अदर देन हिमसेल्फ और एन अबेटर ऑफ द ऑफेंस फॉर ह्यूमन एंट्रेंस और थ्रू एनी पैसेज टू विच ही हैज ऑब्टेंड एक्सेस बाय स्केलिंग और क्लाइंबिंग ओवर एनी वॉल और बिल्डिंग, फॉर एग्जाम्पल कि पाइप से चढ़कर आ जाना ऊपर या फिर बाथरूम की खिड़की में से घुस जाना, तो ये सेकंड वाला हो गया। फिर थर्डली देखिए ये क्या कह रहा है, थर्डली मतलब हो गया कि एक ऐसा रास्ता जो कि ऑर्डिनरी टाइम में बंद रहता है, जैसे हम घर, मेरा घर है तो एक कोई पीछे का दरवाजा है वो लेकिन बंद रहता है, कोई वहां से आता जाता नहीं है, तो उसको खोल के कोई आ रहा है सीक्रेटली, तो ये हाउस ब्रेकिंग हो गया। फिर फोर्थली आ जाता है आपका, ये बहुत हम इन डेप्थ में नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि ये फिर लंबा हो जाएगा, बस ऊपर ऊपर से आपको मतलब हम समझा रहे हैं, आप लोग इसको अंदर से पढ़िएगा। फिर चौथा जो है लॉक खोल कर आ जाना, फॉर एग्जाम्पल मेरा घर है, हम कहीं बाहर गए हुए हैं, ठीक है, लॉक लगाए हुए हैं, तो लॉक जो है खोल कर सीक्रेट कोई फर्जी चाबी डुप्लीकेट चाबी बना के या फिर उसको जो है तोड़ दिया हथौड़े से, वो हो गया फोर्थ वाली कैटेगरी में। फिर फिफ्थ वाला आ गया कि इफ ही अफेक्ट्स हिज एंट्रेंस और डिपार्चर बाय यूजिंग क्रिमिनल फोर्स और कमिटिंग एन असॉल्ट, मान लीजिए कोई सामने जो है खड़ा हुआ है रोक रहा है वो कि मेरे घर में मत आओ, लेकिन हम फोर्स का इस्तेमाल किए उसको ढकेल के उसके घर में चले जाते हैं, तो पांचवा वाला कैटेगरी ये हो गया। ये सारी हाउस ब्रेकिंग है कि कैसे अंदर जाएंगे, उसी को हाउस ब्रेकिंग कहते हैं कि अपना एंट्रेंस हो गया, एंट्रेंस करने के लिए या फिर एग्जिट करने के लिए ये सारे काम करेंगे, तो वो हाउस ब्रेकिंग की कैटेगरी में आ जाएगा। फिर सिक्स्थ वाला जो आता है, इफ ही एंटर्स और क्विट्स बाय एनी पैसेज व्हिच ही नोज टू हैव बीन फास्टेंड अगेंस्ट सच एंट्रेंस और डिपार्चर एंड टू हैव बीन अनफास्टेंड बाय हिमसेल्फ और बाय एन एबिटर ऑफ द हाउस ट्रेस्पास, मतलब कि कोई एक रास्ता है ब्लॉक वे रास्ता है, मतलब वो बंद है और उसको हम खोल दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल की दीवार चढ़ी हुई लंबी पूरी ऊंची दीवार है उसको हम खोल दे रहे हैं, तोड़ दे रहे हैं,
या फिर मान लीजिए दरवाजा है, एक दरवाजा हमको अंदर नहीं जाने दे रहा है, उसको हम फोर्स से जो है तोड़ दे रहे हैं, तो ये सिक्स्थ वाली कैटेगरी हो गई। तो ये सारी कैटेगरी मतलब इस तरह से अगर हम अपना एंट्री करते हैं या फिर एग्जिट करते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, हाउस ब्रेकिंग हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसके इलस्ट्रेशन कुछ देखते हैं हम लोग। तो देखिए ये जितने भी इलस्ट्रेशन है ये अकॉर्डिंग टू ये जो पीछे हम लोग पढ़े थे फर्स्ट सेकेंडरी फिफ्थ सिक्सथ तक, इसके अकॉर्डिंग्स के सारे हैं। देखिए, ए कमिट्स हाउस ट्रेसपास बाय मेकिंग अ होल थ्रू वॉल ऑफ जेड हाउस एंड पुटिंग हिज हैंड थ्रू दी अपर्चर, दिस इज हाउस ब्रेकिंग। ये डिनोट कर रहा है फर्स्टली वाले एक्सप्लेनेशन को। फिर सेकेंड हम लोग आते हैं, ए कमिट्स हाउस ट्रेसपास बाय एंट्रिंग जेड हाउस थ्रू अ विंडो, दिस इज हाउस ब्रेकिंग। थर्डली ये हो गया थ्रू विंडो, ये हो गया। फिर ए फाइंड्स द कीज ऑफ जेड हाउस डोर व्हिच जेड हैज लॉस्ट एंड कमिट्स हाउस ट्रेसपास बाय एंट्रिंग जेड हाउस हैविंग ओपन द डोर विद दैट की, ये हो गया फोर्थली। फिर आता है फिफ्थ वाला, यहाँ पे है ए कमिट्स हाउस ट्रेसपास बाय एंट्रिंग जेड हाउस थ्रू दी डोर हैविंग ओपन अ डोर व्हिच वाज फास्टेन्ड, दिस इज हाउस ब्रेकिंग। सिक्सली यहाँ पे ये डिनोट कर रहा है। फिर इसके बाद वाला आता है, जेड इज स्टैंडिंग इन अ डोर वे, ए फोर्सेस अ पैसेज बाय नॉकिंग जेड डाउन, देखिए वही सेम जो है आपको बताया है अभी, एंड कमिट्स हाउस ट्रेसपास बाय एंट्रिंग दी हाउस, दिस इज हाउस ब्रेकिंग। अब ये हो गया। अब एक तरीका आप लोगों को और बताते हैं, इसको फिर पहले थोड़ा सा रेड विद भी कर लेते हैं, रेड विद तो हम लोगों ने कर लिया था। अब इसका थोड़ा सा क्लस्टर ऑफ सेक्शन से बनता है, जैसे कि सेक्शन 441 जो है उसको हम लोग रेड विथ करेंगे 447 के साथ, 441 की पनिशमेंट है 447 में। फिर 442 जो है उसको हम लोग रेड विथ करेंगे सेक्शन 448 के साथ। फिर 443 एंड 445 रेड विथ होगा सेक्शन 453 के साथ। 444 एंड 446 रेड विथ होगा सेक्शन 456 के साथ। जो भी रेड विथ जितने भी सारे हैं उसको वो जो है पनिशमेंट से रिलेट कर, इसका आप लोग सेक्शन इसकी स्क्रीन शॉट ले लीजिए, इसको याद करने में बहुत ही ईजी होगा क्योंकि ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं दिया हुआ है, दो तीन सेक्शन छोड़ के इसकी पनिशमेंट दी हुई है इस तरह से। इसकी आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल रहेगा आप लोगों को पनिशमेंट याद करने में। तो ये आज का हम लोगों का सेशन था, अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, दो चार क्लासेस और बची हैं, फिर हम लोगों का ये आईपीसी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और आपको अगर मेरा समझाया हो बताया हो थोड़ा भी इंटरेक्टिव लगता हो इन्फॉर्मेटिव लगता हो तो इसको अपने लोगों में दोस्तों में इसको शेयर करिए, और इसको लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। फिर आपसे नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड स्टे मोटिवेटेड एंड थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।